नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय देवरगौंडा और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन रिलीज के बाद इस फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स भी दर्शकों की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इस फिल्म के रिलीज के बाद अनन्या पांडे जमकर ट्रॉल भी हो रही हैं। लोगों ने यहां तक कह दिया कि सबसे पहले अपनी एक्टिंग में सुधार करो, उसके बाद हॉलीवुड जाने का सपना देखना। बता दें कि इस फिल्म के प्रमोशन के लिए अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा ने अपनी जान लगा दी। उन्होंने जमकर हर जगह प्रमोशन भी किया, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद लाइगर की लीड एक्ट्रेस अनन्या पांडे फिल्म में अपने हॉलीवुड वाले डायलॉग को लेकर ट्रॉलर्स के निशाने पर अब आ गई हैं। दरअसल फिल्म लाइगर में अनन्या पांडे का किरदार एक सोशल मीडिया सेंसेशन लड़की का दिखाया गया है, जो एक एक्ट्रेस के साथ साथ पॉपुलर पर्सनालिटी बनना चाहती है। वहीं साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा एक बॉक्सर बने हुए हैं, जो अनन्या पांडे के प्यार में पड़ जाते हैं। इन दोनों के बीच फिल्म में एक सीन दिखाया गया है जिसमें अनन्या और विजय आपस में झगड़ते हैं। इस दौरान अनन्या पांडे लाइगर को ये कहती हैं कि मुझे अभी हॉलीवुड जाकर अपने करियर को उड़ान देना है, अपने करियर की शुरुआत करनी है। बस फिर क्या था, इस फिल्मी डायलॉग को कुछ लोगों ने अनन्या पांडे की रियल लाइफ से जोड़ दिया और उन्हें ट्रॉल करना शुरू कर दिया। इस दौरान ट्रॉलर्स ने यह भी कहा कि अनन्या पांडे बॉलीवुड में पहले ढंग से एक्टिंग करना सीख लो, उसके बाद हॉलीवुड का सपना देखना। फिल्म लाइगर में अनन्या पांडे की एक्टिंग को लेकर ट्रॉलर्स जमकर निशाना भी साध रहे हैं। इसके साथ ही इस हॉलीवुड वाले डायलॉग ने अनन्या पांडे की मुसीबत को और बढ़ा भी दिया है। साथ ही एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि आप सबसे पहले एक्टिंग का असली मतलब समझो और सीखें कि किस तरह से कैमरे के सामने खड़ा हुआ जाता है। इस तरह से तमाम लोग सोशल मीडिया पर अनन्या पांडे को ट्रॉल कर रहे हैं। मालूम हो कि फिल्म लाइगर की कमाई के दूसरे दिन के आंकड़ों में भी गिरावट देखी गई है। इस फिल्म की कमाई पर अगर एक नजर डालेंगे तो शुक्रवार को लाइगर ने ओपनिंग डे से आधी 7.70 करोड़ की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म की कमाई में सीधा 50.75% की गिरावट देखी गई। वहीं तीसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में कुछ खास सुधार भी नहीं आया। शनिवार को विजय देवरकोंडा की लाइगर ने 7 से 7.50 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया। लाइगर का यह पहला वीकेंड है। हालांकि इस फिल्म के लिए रविवार भी काफी खास दिन है। विजय देवरकोंडा शनिवार के दिन दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में कामयाब हालांकि नहीं दिख पा रहे हैं, लेकिन अब आगे ये फिल्म क्या कमाल दिखाती है, इस पर हर एक की नजर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस हैं। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।